हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्टूर टूल के बारे में। कॉन्टूर टूल आपको यहां पर मिलेगा, जितने भी इफ़ेक्ट्स टूल्स हैं वो सब आपको यहां पर मिलते हैं और इसमें आप देखेंगे कॉन्टूर टूल को। अब कॉन्टूर टूल का यूज़ होता है कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए या कुछ इफ़ेक्ट देने के लिए, तो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कॉन्टूर की ज़रूरत हमें क्यों लगती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बनाया कंट्रोल की मदद से और एक मैं रेक्टेंगल शेप बना लेता हूँ। सेम यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और साथ में एक मैंने एलिप्स बना लिया। अगर मुझे इसका एक बाउंड्री क्रिएट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास में एक और मेथड होती है जो हम सिंपली शिफ्ट के साथ में इसको कॉपी करके मैं ऐसे अंदर कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए राइट, तो एक प्रॉपर उसका बाउंड्री क्रिएट हो गया। लेकिन अगर ऐसा रेक्टेंगल है, हम यहाँ पर इसको कॉपी करके देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में काफ़ी डिफरेंस है और एक प्रॉपर शेप नहीं बन पाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर आप यूज़ करेंगे कॉन्टूर टूल को। कॉन्टूर टूल को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और सिंपली इसको आप अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग कर दीजिए। राइट, अभी हम ऑप्शंस को सभी को समझेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे बाउंड्री क्रिएट करना है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉन्टूर जो स्टेप्स है वो हमने कितना दिया, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, स्टेप्स बढ़ती जा रही है। हमको सिर्फ एक बाउंड्री क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पर कितना लिया, अभी 1। और ये वाला जो डिस्टेंस है कॉन्टूर ऑफसेट, ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ से मेंटेन होता है ये। राइट, उसी को आप यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं इस टाइप से। सो सिंपली इस तरह से आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। सेम इस पर भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्टली बना सकते हैं शिफ्ट के थ्रू, लेकिन अगर ऐसा शेप रहेगा तो देखिए वहाँ पर वो प्रॉपर शेप नहीं आएगा वो। ठीक है, आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। सो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, फिर कॉन्टूर टूल को यूज़ करेंगे। इस तरह से आप एक प्रॉपर उसका बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। सो ये तो शेप्स के ऊपर हमने यूज़ करके देखा। अब हम कुछ टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करके देख लेते हैं। टेक्स्ट में आप काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं कॉन्टूर टूल की मदद से। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ और थोड़ा सा हम बोल्ड फॉन्ट ले लेते हैं और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। राइट, अब हम इसके ऊपर यूज़ करके देखते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया कॉन्टूर टूल से, मैं इसका इस तरह से बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 2-3 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सेंटर में बनाना हो, इनसाइड बनाना हो, आउटसाइड बनाना हो, तो आप इसको सिंपली इस तरह से ड्रैग कीजिए। जैसे अगर मैं इसको सेंटर में छोड़ रहा हूँ तो देखिए सेंटर में आ रहा है इफेक्ट। ये वाला जो कलर आ रहा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। राइट, सो इस तरह से आप उसमें टेक्स्ट में अच्छा सा इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब अगर आपको बाहर बाउंड्री क्रिएट करना है तो मैं इसे बाहर की तरफ लेके आ जाता हूँ और ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, तो ये बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ये कलर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा भी कलर आपको चाहिए। सो हम कुछ और इफेक्ट देख लेते हैं अभी। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को। अब देखिए इसके ऊपर मैं इसको यूज़ करता हूँ वापस से और मैंने ऐसा बाउंड्री क्रिएट कर दिया। राइट, अब देखिए, अब मान के चलिए कि आपको ये जो बाहर हमने कॉन्टूर इफेक्ट दिया है इसी के अंदर आपको वापस से कॉन्टूर इफेक्ट देना है, तो दो इफेक्ट तो आप एक साथ दे नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ब्रेक कर दीजिए आप, टेक्स्ट और कॉन्टूर इफेक्ट को। तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा ब्रेक कॉन्टूर अपार्ट। तो अब आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट अलग हो गया है और जो आपने कॉन्टूर इफेक्ट दिया था वो अलग हो गया है। अब आप सिंपल जो इफ़ेक्ट है बाहर आपने जो दिया था उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर से आप यहाँ पर कॉन्टूर टूल को ले लीजिए और यहाँ से हम वापस से उसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं इस तरह से। राइट, और कुछ कलर वगैरह चेंज करके देख लीजिए। तो अब यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से कौन सा टूल लूँगा, इंटरैक्टिव फिल टूल ले लेते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ऐसा सिंपल दो शेड्स में हम कलर दे देते हैं। राइट, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। सो इस तरह से आप कुछ अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको आउटलाइन दे देता हूँ। राइट,
सो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ एक ही इफेक्ट को हमने अलग अलग वेज में देखा है। यहाँ पर उसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से, कुछ बोल्ड फॉन्ट। अब देखिए, यहाँ पर मुझे ऑफर को बड़ा करना है तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले इसे ब्रेक कर दूँगा, ऑब्जेक्ट में जाकर मैं इसे ब्रेक कर दूँगा। राइट, अब थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ से, ऐसे मैंने ब्रेक कर लिया, यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। 50% ऑफ को यहाँ पर हम रख लेते हैं, एक रेक्टेंगल में यहाँ पर ले लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके सी एन ई हम ज़रूर करेंगे हमेशा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर को मैच करने के लिए। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा हम इसके पास में रखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर्स राउंड कर रहा हूँ, इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, साथ में इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इस सेंटर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ 50% ऑफ को, मैंने सिर्फ किसे सिलेक्ट किया, स्पेशल ऑफर को और इस रेक्टेंगल को, इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया। साइड में मूव करके देख लीजिए उसको, और फिर उसके बाद में मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर वेल्ड कमांड। मैं सभी को एक सिंगल शेप के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरह से, मैं इसमें कलर दे देता हूँ। ठीक है, आउटलाइन हम हटा देते हैं, इसका भी मैं टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ। अब देखिए, ये वाला जो आपका बाहर जो एक शेप में कन्वर्ट हो गया है, हम अभी जो शेप है इसके अंदर मैं कॉन्टूर टूल को यूज़ करता हूँ मैं। सो इस टाइप से आप कुछ इफेक्ट दे सकते हैं उसके अंदर। अब देखिए, यहाँ पर आप इसमें कुछ एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं थोड़ा शार्प दिख रहे हैं, तो मैं जब कॉन्टूर टूल को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, अभी कौन सा, ये मिल्टेड कॉर्नर्स है तो हम इसको राउंड कॉर्नर कर सकते हैं, तो देखिए कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। और लास्ट वाला कौन सा है, बेवल कॉर्नर, वैसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा, तो हम इसको भी राउंड रख देते हैं। राइट, अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में कलर ले लेता हूँ ताकि हम जो चेंज करेंगे वो हमें प्रॉपरली दिखाई दे यहाँ पर। अब देखिए, इसमें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जो ये कलर है यहाँ पर इसको मैं वाइट कर देता हूँ पीछे। ठीक है, आप देख सकते हैं मूव करके इसको। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देते हैं हम वापस से। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और मैं क्या कर दूँगा, इसे ब्रेक कर दूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों अलग हो जाएगा, शेप और जो हमारा कॉन्टूर इफेक्ट हमने दिया था वो अलग हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसमें कुछ और वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसमें ड्रॉप शैडो दे देता हूँ ताकि और अच्छा इफेक्ट आएगा, इस टाइप से। राइट, थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज कीजिए यहाँ पर इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि आप कॉन्टूर का यूज़ करके कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि हमने टेक्स्ट इफेक्ट देखे, साथ में ये हमने भी जो एक लोगो बनाया है, इस टाइप के लोगोज आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे जब कुछ ऑफर वगैरह आता है तो। राइट, सो इस टाइप से आप कुछ बना सकते हैं इजीली। और एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हम इमेज के ऊपर इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो। सो अब हमारे पास में एक इमेज है और इस इमेज के ऊपर हम कॉन्टूर इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। अब देखिए, रेस्टर इमेज के ऊपर आप कभी भी इन इफेक्ट्स को नहीं दे पाएंगे कॉन्टूर को। राइट, वो हमेशा शेप के ऊपर ही आप दे सकते हैं, वेक्टर शेप के ऊपर। अगर आप व्यू में जाएंगे और आप वायर फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये इमेज दिखाई देगा, जैसा ये एक शेप बना हुआ है, उसके आसपास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पर एक आसपास इसके एक शेप क्रिएट करना पड़ेगा। अब शेप क्रिएट करने के एक दो मेथड्स हैं, या तो आप पेन टूल ले लीजिए और पेन टूल से पूरा इसका बाउंड्री क्रिएट कीजिए यहाँ पर, और फिर उसके अंदर आप कॉन्टूर दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी पेन टूल में प्रैक्टिस नहीं है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है वो। सो हम दूसरा मेथड यहाँ पर देख लेते हैं, मैं इसी को कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर साइड में, और इसके ऊपर अब हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा ट्रेस बिट मैप। जब भी आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे आपको ये ऑप्शन ज़रूर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको मिला ट्रेस बिट मैप और मैं इसको क्विक ट्रेस कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये आपका ट्रेस हो चुका है, तो इसको आप थोड़ा साइड में रखिए। पीछे आपका वही इमेज है जिसको आपने ट्रेस किया है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसे हटा देता हूँ और मैं इसे इसके ऊपर वर्क करूँगा अब मैं। राइट, अब देखिए, इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रुप बना हुआ है। कैसे पता लगता है ग्रुप, ये आपको दो आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मतलब कि ग्रुप बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट्स का। और नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप ऑफ 83 ऑब्जेक्ट्स ऑन लेयर 1।
सो हमें क्या करना है, सिंपल इसको पहले अनग्रुप कर देना है। यहाँ से मैंने इसको अनग्रुप कर दिया, और जैसे आप अनग्रुप करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे शेप सिलेक्ट है एक साथ यहाँ पे, तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं यहाँ पर शेपिंग के ऑप्शंस जो रहते हैं। सो यहाँ पर सबसे लास्ट में एक आपको मिलेगा क्रिएट बाउंड्री, मैं इसका बाउंड्री क्रिएट कर देता हूँ। और अब देखिए आप उसको मूव करके राइट, तो इस शेप का एक बाउंड्री क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ प्रॉपर वे में, थोड़ा जूम करके कीजिएगा तो इजी वे में उसको रख सकते हैं वहाँ पे, तो जिस तरह से राइट। अब हम जो आउटलाइन है हमने जो बनाया है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर अब हम देंगे कॉन्टूर इफेक्ट। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और सिंपल यहाँ से मैं इसको ऐसे बना देता हूँ मैं राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट हो गया उसका। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से ग्राफिक्स के आसपास भी इस तरह से बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे कार्टून स्टिकर्स देखे होंगे जिसमें ऐसा बाउंड्री रहता है, या फिर ऐसे कटआउट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, जो प्रिंटिंग मशीन्स का वर्क रहता है फिर बाद में कि उसको वो कटिंग किस तरह से करते हैं, क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे हैं जो आप कॉन्टूर टूल की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर कि आप कॉन्टूर टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कुछ अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।